فاتحة بجاه حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبجاه محبوبك سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. بسم الله. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمت حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا شفينا حبيبنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي محي الدين الغوث الاعظم واسع اللطف وبحر الهمم مبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة اطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. मेरे लिए ये पंजतन है दाफ़ए रंजो बला। मेरे लिए ये पंजतन है दाफ़ए रंजो बला। शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फातिमा। शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फातिमा। और न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं। ये जालिम क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे हैदरी नारे हैदरी। शहनशीन पे तशरीफ फरमा। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी व एजाजी तकद्दस मआब शेख तरीकत पीर कामिल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शुत्तारी साहब क़िबला मद्दज़ल्लाहु अली, जानशीन हजरत कामिल अलैहि रहमत व रिजवान व मोहतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन, सादात किराम मशायख इज़ाम, बिरादरान ज़वील एहतराम, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। अल्लाह रब तबारक व तआला जल्ला मजदहू का बड़ा फजल और बड़ा एहसान और उसके हबीब पाक अलैहि सलातु व सलाम की नालेन अक़दस का तसद्दुक और फैजान कि खुदावंद कुद्दूस ने आज आपको हमको उसके महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादे ज़ीवकार
सैयद शहदा सिद्दीक रसूलुल्लाह सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और असहाबे करबला के जिक्र मुबारक की इस अजीम शान महफिल और मजलिस में शिरकत का मौका इनायत फरमाया है। इधर हजरात डिस्टर्बेंस ना करें, बल्कि आप लोग इधर पलटे रहें, ट्रैफिक पुलिस का अपना काम रहेगा। आपसे कह रहा हूँ जुबैर कादरी, आप लोग इधर पलटे रहे, वो अपना काम करते रहेंगे, आप लोग तवज्जो इधर रखें। यकीनन काबिले मुबारकबाद हैं वो वफादाराने रसूल जो कल भी करबला में नबी की आल के साथ ठहरे थे और आज 1400 साल के बावजूद भी बड़ा बाजार याकूतपुरे में जितने हैं सब हुसैन के साथ ठहरे। सुभान अल्लाह। यहां कोई ऐसा नहीं जो यजीदी हो, यहां कोई ऐसा नहीं जो यजीद के साथ ठहरा हो, बल्कि मुझे कहने दो, अगर तुम 14 सदियों पहले करबला की सरजमीन पर होते तो हुसैन को एक हुर नहीं बल्कि करोड़ों हुर मिल गए होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे असलाफ की मेहनतों का नतीजा है, ये गौसे आदम की गुलामी का नतीजा है, ये गरीब नवाज की मेहनतों का नतीजा है। इस सरजमीन हिंदुस्तान पर मेहनत करने वाले औलियाए किराम की मेहनतों का नतीजा है कि या हुसैन कल करबला में आप अकेले थे, लेकिन आज इन गुलामों की मजमे की तरफ देखिए, आप एक इशारा फरमाए, हम सर तन की बाजी लगाकर आपके कदमों में अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। लब्बैक या हुसैन। और ये ना समझो जाए कि मेरे हुसैन तन्हा थे, अरे वो जिनके नाना के कदमों में कायनात के शहंशाहों ने अपने तख्त ताज कुर्बान कर दिए, हुसैन इशारा करते तो आसमानों से अफवाज उतर जाती, हुसैन इशारा करते तो हैदर कर्रार तशरीफ ले आते, हसन मुश्तबा तशरीफ ले आते। नहीं दोस्तों, हुसैन शहीदे करबला को तो इम्तिहान में कामयाब होना, ये ना समझे जालिम कि मेरा हुसैन मजबूर था, नहीं, ये मेरा ईमान है। मैं कहूं वो इस्लाम से खारिज हो जाए जो हुसैन को मजबूर समझे। हुसैन मजबूर नहीं थे, हुसैन मुख्तार थे, हुसैन ने बुज़दिली को टुकरा दिया, शहादत को कबूल फरमा लिया। अरे वो जिनके पोतों के पोतों के पोतों के पोते मोइनुद्दीन का ये इख्तियार है कि हल्का सा इशारा कर दे तो कूजे में आना सामर सभा आए, मेरे हुसैन चाहते तो इस्माइल ने जैसे जमीन से जमजम निकाला, हुसैन के कदमों से भी जमजम बरामद हो गया। नहीं दोस्तों, इम्तिहान मतलूब था। करबला की सरजमीन पर हुसैन को मालूम था कि अगर आज मैंने जान बचा ली तो इस्लाम नहीं बचेगा। हुसैन ने जान बचा ली होती तो याद रखो कुछ भी नहीं बचा होता दोस्तों, कुछ नहीं रहता, ना आप होते ना हम होते, ना तुम होते ना मस्जिदें होती, ना तुम नमाज पढ़ते होते, न जकात देते होते, न हज बैतुल्लाह को कोई जाता, वो इसलिए कि अगर यजीद के हाथ में हुसैन ने हाथ दे दिया होता, अगर दे दिया होता तो यजीद वही करता जो चाहता था। उसने तो चाहा था कि इस्लाम के निजाम को दरहम बरहम कर दिया जाए, हराम को हलाल कर दिया जाए, हलाल को हराम कर दिया जाए, मस्तूरात से जो आपके निकाह में हो या आपकी बेटियां हो या आपकी बीवियां हो, अरे यजीद तो ये चाहता था। आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि महरम रिश्तों से वो जिना की दावत दिया। बताइए हुसैन ने यह कुर्बानी किसके लिए दी, बोलिए। इमाम हुसैन की यह कुर्बानी सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं दोस्तों, रहती दुनिया तक सारी इंसानियत को जुल्म के खिलाफ खड़ा होने का दर्स देने वाली जात का नाम हुसैन इब्ने अली है। और याद रखें, कुछ लोगों को
आजकल बड़ी जहमत और बड़ी तकलीफ हो रही। बड़ा बाजार याकूतपुरे में अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी अजीमुशान शहीद आदम कॉन्फ्रेंस है और अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। मेरा विजदान कहता है जब तक दुनिया रहेगी यहां ये कॉन्फ्रेंस होती रहेगी। और हमने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस की तो लोगों ने ताने कसे। कुछ ऐसे हैं और हर दौर में रहे हैं दोस्तों, सहाबा के बेटों ने हुसैन इब्ने अली को शहीद किया हो तो कोई मौलवी अगर हम पर फतवा लगाए तो हम कहां डरने वाले हैं। हम तो हुसैन वाले, कहो हाथ उठाकर, हम हुसैन वाले हैं। बेशक बेशक हम करबला वाले हैं। हम रहते तो हैदराबाद में है लेकिन आज 14 सदियां गुजर जाने के बावजूद भी हमारा जज्बा ईमानी कल भी करबला के मैदान में था और आज भी करबला के मैदान में है। हम किसी से डरने या घबराने वाले नहीं हैं और हम जुल्म करने वाले नहीं हैं। इस्लाम की राह में सर कटाने वाले हम सर काटने वाले नहीं हैं। काटने वाले तो यजीदी थे दोस्तों, काटने वाले तो यजीदी थे। बहर कैफ मुहर्रम उल हराम की आमद और अहले सुन्नत की ये जो मोहब्बत है शहीद करबला के साथ, और क्यों ना हो, मैं तो अक्सर कहता हूं बल्कि दावे से कहता हूं कि जितने हुसैन हमारे हैं उतने किसी के नहीं। जितने हुसैन हमारे हैं उतने किसी के नहीं है। क्योंकि याद रखो आजकल फी जमाने ना असरे हाजिर में कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो सुन्नियत का सर्टिफिकेट देते नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि तुम सुन्नी नहीं मैं सुन्नी, तुम सुन्नी नहीं तुम सुन्नी नहीं, फला सुन्नी नहीं फला रावी हो गए, फला शिया हो गए। मैंने कहा दीवानो तुमने अहले बैत की मोहब्बत को समझा ही नहीं, तुमने अहले बैत के मकाम को जाना ही नहीं है। याद रखो चौदाए करबला से मोहब्बत करना किसी फिरके की अलामत नहीं है, यह मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हुसैनिया। इसे किसी फिरके पे महमल न किया जाए, किसी फिरके तक मखसूस न किया जाए। याद रखो हुसैन की मोहब्बत नबी की, बोलो नबी की सुन्नत है। अच्छा फिर मुहर्रम का महीना आया तो किसी हैदराबाद के बुजुर्ग शायर ने इरशाद फरमाया कि फिर आ गया अशराए मुहर्रम हुसैन फिर याद आ रहे हैं, जो उन पे कुर्बा है जानो दिल से वो उन पे आंसू बहा रहे। गालिब हज़रत शेखुल इस्लाम अली रहमा का ये शेर है, जो उन पे कुर्बा है जानो दिल से बोलो वो उन पे आंसू बहा रहे। अब हमने अगर हुसैन शहीद करबला की मोहब्बत में आंसू बहाए तो लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती है। वो कहते हैं ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है। मैंने कहा दीवानो तुमने हुसैन की मोहब्बत को समझा ही नहीं है। अभी हुसैन इब्ने अली को शहीद हो रहे कमोबेश 56 साल बाकी है। कितने 56 या 57 साल बाकी है। 57 साल पहले मुस्तफा हुसैन शहीद करबला की शहादत को याद करके रोया कर। आधी से मुबारक है हजरत की उम्मे सलमा से पूछे, नबी के घर वालों से पूछे या दर वालों से, घर वालों से पूछे ना। उम्मे सलमा से ज्यादा मुस्तफा को क्या किसी ने जाना है। नबी की बीवी है और महातुल मोमिनीन में से है, अजवाजे मुतहरात में से। इरशाद फरमाती है कि मैंने देखा कि नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम का चेहरे अकदस गर्दालूद है, गर्दो गुबार लगी है, हाथों में मट्टी की शीशी लाकर मेरे हवाले कर इरशाद फरमाते हैं उम्मे सलमा ये रख लेना, इसलिए रख लेना कि ये मट्टी जब खून में तब्दील हो जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद कर दिया गया। और रोने लगे, आप पीदा हो गए। हदीस मुबारक के अल्फाज रोने लगे, मुस्तफा हुसैन की शहादत से पहले रोए, रोए के नहीं बताइए तो शहादत के बाद रोना कोई बिदअत नहीं है बल्कि हुसैन शहीद करबला के नाना की सुन्नत है। अच्छा मैं तो कहता हूं
कि आप अपने फतवे अपने पास ही रखें, ये अपने फतवे अपने पास ही रखें। और देखें, मैंने आपसे जैसे कहा कि अहले सुन्नत से ज्यादा हुसैन से मोहब्बत किसी ने की ही नहीं, और दावे के साथ मिसाल के साथ कह रहा हूं, भाई गरीब नवाज को कौन नहीं जानता, बोलिए कौन नहीं जानता। हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों को कलिमा पढ़ाकर मुसलमान बनाने वाली जात का नाम मोइनुद्दीन है कि नहीं। कल भी फैज रसा थे, आज भी फैज रसा है कि नहीं। हुसैन इब्ने अली की कैरात वो कल भी बांट रहे थे, आज भी दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, हम लूट रहे हैं, सुबह कयामत तक कैरात पाते रहेंगे। अब मुझे बताइए, सरजमीन हिंदुस्तान पर क्या मोइनुद्दीन से बड़ा कोई सुन्नी गुजरा है, बोलिए। नहीं ना। हमने पूछा, मोइनुद्दीन गरीब नवाज आपने एक रुबाई इरशाद फरमाई है जिसकी कोई मिसाल नजर आती है ना, जिसकी कोई नजीर नजर आती है। क्या कहा? मेरे गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, शाह अस्त हुसैन। क्या फरमाया? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। हुसैन शाह है, बेशक है, शहंशाह रिसालत के नवासे वो जानशीन है, बादशाह है, आसमानों पर हुकूमत है, यकीनन है, क्यों ना हो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अपने सालेह बंदों के लिए, हुसैन का मकाम क्या है, जिनके कदमों में सालहीन के सर रखे हैं उस जात को हुसैन कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, वसक्कर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द जमीया। अरे मेरे महबूब बंदों की यह शान है कि दुनिया ही पर उनकी हुकूमत नहीं बल्कि आसमानों को भी मैंने उनके कब्जा व इख्तियार में दे दिया। मेरे हुसैन को मजबूर न समझो। देखो मोइनुद्दीन की क्या शान है, उनके पोते हैं, पोतों के पोतों के पोतों के पोते हैं, ये शान के हामिल है कि जमीन पर तो हुकूमत करते हैं, जमीन के अंदर से भी हुकूमत करते हैं, आसमानों पर भी हुकूमत करते हैं। जो कि जयपाल आया और आकर कहने लगा, ये क्या लगा रखता है, मेरा कर्तव्य देखो, मेरा जादू देखो, मेरा इस्तेदराज देखो, हवा में उड़ गया। मोइनुद्दीन ने कहा, मैं तेरा मुकाबला करने हवा में नहीं उड़ूंगा, तू तेरे लिए तो मेरी जूती काफी है, तेरे लिए तो मेरी पैर की जूती काफी है। उठा के आसमानों में फेंक दी, सर पे पड़ी, कदमों में आया, इस्लाम कबूल कर मुसलमान हो गया। देखो याद रखना, हम गरीब नवाज के गुलाम हैं, हमारे रसूल हैं, हम सादात किराम हैं, हमें तलवार की जरूरत नहीं है। आज भी मोइनुद्दीन की निगाहों में खुदा ने वो ताकत दी है, ए वक्त के फिरौनों हमें डराना छोड़ दो, जिसने जिस दिन मोइनुद्दीन ने करवट बदल ली, तुम बर्बाद होकर रह जाओ। नारे हैदरी, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। इसलिए इस्लाम सरजमीन हिंदुस्तान पर तलवार से नहीं पहला है दोस्तों, प्यार से पहला है, आले नबी के ईसार से पहला है, इनकी कुर्बानियों के अजबात से पहला है। मोइनुद्दीन ने शाह फरमाया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। आज का कोई मौलवी होता तो फतवा लगा देता, क्या करता, फतवा लगाकर कहता कि दीन अस्त हुसैन कैसे, है कि नहीं। हुसैन दीन है, मोइनुद्दीन ने कहा। अब कोई मौलवी हो तो इतराज करके फतवों पे फतवे जारी कर देता। हुसैन के पोते गरीब नवाज ने कहा कि हुसैन क्या है, हुसैन क्या है, दीन है। अब दीन कैसे है देखें, मेरे आका अलैहि सलातो वस्सलाम खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे हैं, मेंबर पर हुजूर जलवा करें है कि नहीं, खुतबा दे रहे हैं, और मेंबर पर मैं भी मस्जिद वज़ीर-उन-निसा में जुमे की खिताबत करता हूं। हजरत तकद्दस में आप यहां बैठे, मेरे बिरादर गुलाम सैयद गुलाम अहमद शेख अहमद शुतारी कामिल पाशा हफीज़हुल्लाह बैठे, ये भी खतीब हैं, इमामुद्दीन सिद्दीकी साहब बैठे, अब्दुल्ला कादरी साहब बैठे, ये भी खतीब हैं। मुझे बताइए, जब खुतबे में मेंबर पर ठहर कर खतीब खुतबा देता है तो क्या दुनिया की बात करता है, बोलिए। क्या ये कहता है कि देखिए मेरा बच्चा फला स्कूल में पढ़ रहा है और मेरे फला कारोबार हैं, मैं ऐसे करता हूँ, मेरा बड़ा बच्चा बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। आज तो आप छोटा बच्चा डर गया, मौलाना खैरियत, तबीयत वबीयत तो खराब नहीं हो गई आपकी, आप ये क्या कर रहे हैं, ये आप मेंबर रसूल पर हैं, तो जो है ना,
आप मेंबर रसूल पर हैं, आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। तो मौलाना ने कहा क्यों नहीं कर सकता, तो बच्चे ने कहा इसलिए नहीं कर सकते कि आप दुनिया की बात मेंबर रसूल पर नहीं कर सकते। वही बोलिए जो दीन है, वही बोलिए जो दीन है। अब देखे मुस्तफा तो सरापा दीन, नबी का चलना दीन, नबी का उठना दीन, नबी का बोलना दीन, नबी का देखना दीन, नबी का सुनना बोल, नबी ने किसी चीज को करने को कह दिया वो दीन, किसी से रोक दिया वो दीन, वो सरापा दीन। वो अकाल सलाम मिंबर पर ठहरे हैं, जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं, और सामने आजकल के लोग नहीं सहाबा जिनकी चौकटों पर हम कुर्बान हो, वो मुकद्दस ग्रोह सहाबा का सामने जलवागर है। हुजूर खुतबा देते देते रुक गए और रुक कर क्या किया पता है आपको, सहाबा में सरासमगी हो गई। कभी हुजूर खुतबा देते देते रुकते नहीं थे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर खिताब हो रहा था दीन के मामलात पर। हुजूर रुके और रुक कर मेंबर से उतर गए। मेंबर से उतर कर जैसे ही उतरे, सहाबा की सफों को चीरते हुए वहां चले गए मस्जिद के अख्ताम पर, मस्जिद नबवी के। और जैसे ही सहाबा पलट कर देखे तो चौंक गए कि इधर इमाम हसन है, इधर इमाम हुसैन, इधर हसन मुश्तबा है, इधर हुसैन शहीद करबला है। दोनों को उठा लिया और उठाकर सीने से लगा लिया, इधर हसन है इधर हुसैन है, दोनों को सीने से लगाया और लाकर मेंबर पर ऐसे बाजू बिठा लिया। अब देखिए कायदे के एतबार से तो जहां बात छोड़ी थी वहीं से बात होनी चाहिए थी, अगर बात दीन की हो रही तो दीन ही की होनी चाहिए थी। लेकिन मेरे नबी ने क्या किया है पता आपको, हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, आका ने फरमाया ये मेरी बेटी के बेटे ये दोनों मेरे बेटे, ये मेरी बेटी के बेटे ये दोनों मेरे शहजादे, ये मेरे दोनों फूल हैं। ये जब आ रहे थे गिरते पलते हुए मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि ऐसा ना हो कि इनको कोई तकलीफ हो जाए, और मैं इनके पास गया इसलिए भी गया कि ये सुर्ख रंग का लिबास पहने थी, हदीस के अल्फाज सुर्खधारियों का लिबास पहने थे, बड़े हसीन लग रहे थे। खुदवा चल रहा है, तवज्जो, जुमे का खुदवा चल रहा है, दीन की बातें चल रही है, आका ने फरमाया खूबसूरत लग रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया, मैं इनके पास गया, इनको चूमा, इनको लाकर बिठा लिया। अब जितनी मिधत मुनकबत हसनैन की हो रही थी मुस्तफा के इरशाद के मुताबिक ये सरापा दीन है, दीन है, दीन। नारे इसीलिए तो मोहम्मदीन ने इरशाद फरमाया दीन अस्त हुसैन और दीन पनाह अस्त हुसैन। अब देखिए पनाह, पनाह किसे कहते हैं दोस्तों, कि आप सड़क पे निकल गए और परेशान हो गए, समझे यूं कि जंगली कुत्ते आपके किसी बच्चे के पीछे पड़ गए हो, तो उसने इधर देखा ना उधर देखा, घबरा गया, परेशान हो गया, बाप साथ नहीं, कोई मुहाफिज साथ नहीं, कोई मददगार साथ नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई इमदाद को आने वाला नहीं, इधर उधर उसने देखा एक दरवाजा खुला मिला, क्या मिला, ये अल्फाज ध्यान में रखें, दरवाजा, एक दरवाजा खुला मिला, दरवाजे के अंदर वो बच्चा चला गया, वहां एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि बेटा क्या बात है, तो कहने लगा मैं डर गया हूं, मेरे पीछे मूसी पड़ा है, मेरे पीछे जानवर पड़े हैं, मेरे पीछे दुश्मन पड़ा है, मुझे हलाक कर देगा, मुझे जख्मी कर देगा। उस शख्स ने कहा, हालांकि वो शख्स उस शख्स बच्चे को जानता भी नहीं, रिश्तेदारी भी नहीं, उसने कहा इंसानियत के नाते तुझे घबराने की जरूरत नहीं, आ मेरे बेटे मैं तुझे पनाह देता, आ मेरे बेटे मैं तुझे पनाह देता हूं। करबला की सरजमीन है, इस्लाम बेदस्तूपा है, इस्लाम बेसहारा हो गया है, पनाह देने वाला कोई नहीं। हुसैन शहीद करबला ने कहा ए मेरे नाना के दीन तेरा कोई सहारा नहीं है, तो क्या हुआ, हुसैन इब्ने अली जिंदा है, आ मैं तुझे पनाह अता फरमाता हूं। नारे हुसैन, नारे हुसैन, लबैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दीपना, दीपना बोलिए, दीपना अस्त हुसैन, ये से कहते हैं पना। और याद रख लें जिस दीन को हुसैन ने पना दी है ना, इस दीन में ऐसे ऐसे पैदा हुए हैं जिन्होंने अब तक ही नहीं सुबह कयामत तक बस एक नारा लगाया है, वो है नारे हुसैन। और याद रखिए अहले बैत अतहार की ये जो मोहब्बत है, ये जो
या अली या अली, या हसन या हसन, या हुसैन या हुसैन आप जपते हैं। ये दरअसल आका अलैहि सलातु वस्सलाम के इरशाद मुबारक पर अमल पैराई कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि जो जिससे मोहब्बत करता है ना उसका जिक्र हमेशा करता। और मेरे नबी का इरशाद मुबारक है, मुझसे पहले मेरे बिरादर मौलाना सैयद कादिर मोहीउद्दीन कादरी जुनैद पाशा ने अपने खिताब के दौरान इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो कि नेमतें देता है, मुझसे मोहब्बत करो कि मैं तुम्हें नेमतें अल्लाह से लेकर देता हूँ, अल्लाह की जात से मोहब्बत करो कि नेमतें मिलती हैं, मुझसे मोहब्बत करो कि मैं नेमतें देता हूँ, हसनैन से मोहब्बत मेरी मोहब्बत की बुनियाद पर, हसनैन करीबैन से और अहले बैत अतहार से मोहब्बत मेरी मोहब्बत की बुनियाद पर करो। देखो लोग, मेरे दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि लोग आपको मुगालते में रखते हैं और ये कहते हैं कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत किसी खास फिरके की अलामत है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये किसी खास फिरके की अलामत नहीं है, ये उसी की निशानी है जो साहिब ईमान है। जो साहिब ईमान है वही अहले बैत अतहार से मोहब्बत करेगा। और हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम ये दावे से कहते हैं कि हमारा जीना हुसैन है, हमारा मरना हुसैन है, हमारा आना अली अली करकर है, हमारा जाना अली अली करकर है। हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी शामें, हमारी रातें, हमारे दिन सब अहले बैत अतहार के मरोन कातिर है, इसीलिए कि ये वो नफूस कुदसिया हैं कि अगर ये ना होते तो कायनात ही ना। और इनकी मोहब्बत ये किसी काज फिरके की अलामत नहीं है। दोस्तों, एक वाकया आपको सुनाता चलूं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला, कौन नहीं जानता उस नामे नामे, कौन नहीं जानता खलीफे दुवम को, कौन नहीं जानता उनकी शान और अजमत को। 5 लाख मुरब्बा मील पर जिसने हुकूमत की हो, जिसने शाम को फतह किया, मिस्र को फतह किया, यमन को फतह किया, फातह बैतुल मक़दिस बने, जिस क़िबले की तरफ मेरे नबी रुक कर नमाज पढ़ा करते थे, उसको फतह करने वाली जात का नाम उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो कितने जलील कदर है और जिंदगी इतनी सादी सीधी कि जैसे मुझसे कबल मकबूल मिल्लत हजरत मौलाना सैयद अहमद पाशा कादरी साहब क़िबला ने अपने खिताब के दौरान फरमाया कि उनकी जिंदगी कितनी सादी थी, तवाजो थी, फटे पुराने कपड़े पैबंद के पहना करते थे, लेकिन देखिए जाहो जलाल का ये आलम था कि कैसर व कसरा और रोम की हुकूमत उनके नाम से कांपती थी। उनका अहले बैत अतहार से ताल्लुक देखें। एक मरतबा क्या हुआ आपको पता है, हुसैन शहीद करबला के बचपन के अय्याम हैं, इमाम हुसैन के बचपन के अय्याम हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जो हजरत उमर के साहब जाते हैं, थोड़े से उम्र में बड़े हैं, साथ खेल रहे हैं, थोड़ी सी बात पर झगड़ा हो, थोड़ी सी बात पर, ये भी हाशमी खून है, वो भी कुरैशी है, बाद बात में थोड़ी सी अनबन हो गई, और जैसे ही अनबन हो गई तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा, भाई अगर बाप खलीफतु रसूलुल्लाह हो, अमीरुल मोमिनीन हो, आज दुनिया पे हुकूमत करता हो, तो बेटे को तो थोड़ा सा क्या कहते हैं वो एरोगेंस प्राउड हो ही जाएगा, एक फीलिंग डेवलप हो जाती है। उन्होंने कहा, है हुसैन जानते नहीं मैं कौन हूँ? तो कहा, कौन है तू? तो कहा, मैं अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक का बेटा हूँ, आधी दुनिया पर मेरे बाप की हुकूमत है, हैसर व कसरा वो रोम की सल्तनत फारस की उनके नाम से कांपती है। तो ये भी तो अली के शेर थे, अरे ये किससे दबने वाले थे? करबला में 22,000 के सामने नहीं दबे, और यहाँ कौन से दबने वाले थे? इरशाद फरमाया, मैं तुझे भी जानता हूँ, तेरे बाप को भी जानता हूँ। अब बचपन के अय्याम में कहा, तुझे भी पहचानता हूँ, तेरे बाप को भी पहचानता हूँ। उन्होंने अहानत महसूस की, उन्होंने ऐसा कहा, बाबा कि मैं उनका गुलाम हूँ, आप उनके नाना जान के गुलाम हैं। भागे भागे आए। अब जो कुरैश थे, जो मुनाफिकीन, जो अंदर आए थे लेकिन ईमान अंदर नहीं उतरा था, मुनाफिकतों के सिलसिले बाकी थे, कहा बहुत अच्छा मौका है, अब तेल में आग डाल दिया जाए और बहुत लड़ी होगी, अब तो जबरदस्त ठनने वाली है, इधर से उमर आने वाले हैं, इधर से हैदर और सफदर आने वाले हैं, अली और उमर के दरमियान जबरदस्त लड़ी होगी, उधर से हजरत मौलाए कायनात को पता चला कि दोनों साहबजादों में ऐसी चीज अनाबनी हो गई है, हजरत मौलाए कायनात भी तशरीफ लाए, हजरत उमर आए नहायत ही आजिजी और इनके सारी से कहने लगे, हुसैन आपने मेरे बेटे से क्या कहा? तो खलीफतु रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन कहाँ डरने वाले थे, कहने लगे अब जो कह दिया सो कह दिया, जो बोल दिया सो बोल दिया। कहा, देखिए अमीरुल मोमिनीन, मैंने इतना ही कहा कि ये जो आपका बेटा है ये मेरा गुलाम है और आप जो है मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम। तो कहा, हुसैन लिख के दे देंगे?
लिख के दे देंगे। देखे मोहब्बत सहाबा की अहले बैत, ये है सुन्नियत दोस्तों, इसे सुन्नियत कहते हैं। तो कहा लिख कर दे देंगे, तो कहा हाँ जरूर लिख कर दे दूंगा। तो कहा मुझे सही लिखना नहीं आता, अभी तिफले बच्चे हैं, अभी अय्यामे तिफूलियत चल रहे हैं। कहा लाओ मैं लिख लूंगा, आप दस्तखत कर देंगे। हाँ दस्तखत जरूर करनी आती है। लिख कर लाए मिन अल हुसैन इब्ने अली, लिख के लाए और लिख के लाकर उसमें लिखा हुसैन ये कहते हैं कि ये मेरा बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर इनका गुलाम है और उमर अल फारूक इनके नाना जान का गुलाम है। तो शरे दस्तखत की हजरत उमर ने दस्तखत का नामा लाया और मौला हुसैन ने उस पर दस्तखत कर, मौला हुसैन ने उस पर दस्तखत कर दी। अब जैसे ही दस्तखत हाथों में मिली, नजात का परवाना मिला, वो झूमने लगे। रिवायत में आता है कि मस्जिद नबवी के सहन में रश्क करने लगे, रक्स करने लगे। लोगों ने कहा रोम फतह हुआ तो उमर इतना खुश नहीं हुए, मिस्र फतह हुआ तो उमर इतना खुश नहीं हुए, फारस फतह हुआ तो उमर इतना खुश नहीं हुए। आज माजरा क्या है? किसी ने दामन पकड़कर पूछा, ए उमर क्या माजरा है, इतने खुश क्यों नजर आते हो? उमर फारूक ने कहा कि आज तक फिक्र थी कि खुदा की बारगाह में जाऊंगा तो क्या सूरत लेकर जाऊंगा, आज नबी के शहजादे ने उमर को सनद दे दी है कि उमर मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है। और दोस्तों सहाबा ने अहले बैत अतहार से जो मोहब्बतें की हैं उसकी मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती। मदीने की सरजमीन है और आप में जितने बैठे हैं माशाल्लाह ये हैदराबाद के सुन्नी मुसलमान है, सब बाशऊर है, हर कोई ना कोई किसी ना किसी शेख तरीकत और शेख कामिल के दामन से वाबस्ता है कि नहीं बताइए। आप बड़े बाशऊर हैं, खिताबात सुनते आए हैं, किताबें पढ़ते आए हैं, मुझे ऐसा बताइए हाथ उठा करके एम में कितने हैं जो हजरत सैयदना अबू हुरैरा को जानते हैं? सुनिए ना, हजारों अहादीस के जो मरवी हैं कौन है? जलील कद्र सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू हुरैरा, इमाम हुसैन के अय्याम शबाब है, अय्याम शबाब है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन का वहां से गुजर हो रहा है, मस्जिद नबवी से निकले बकी शरफ की बकी शरीफ की तरफ, अपनी अम्मा जान सजीदा तो निसाई वल आलमीन की जियारत के लिए जा रहे हैं, इमाम हसन मुश्तबा की कब्र की मुबारक की जियारत के लिए जा रहे हैं। तपता हुआ सहरा है, मदीने की गर्मी है और रस्ते में खारदार पड़े हुए हैं। जैसे ही हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि हुसैन इब्ने अली के कदमों पर गर्दो गुबार और कांटे लग गए हैं, कांटा चुभ गया है, आगे बढ़े, अपनी चादर निकाली, सहाबी रसूल देखे अरब अहले बैत का, अपनी चादर निकाली और अपनी चादर निकालकर अपना अमामा निकाला, अपना अमामा निकालकर हुसैन इब्ने अली के कदमों को झाड़ने लगे। सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा हुसैन इब्ने अली के कदमों को साफ करने लगे। इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन भी आजिज़ी व इंकिसारी के पैकर और मुजस्सम थे, जिन्होंने 25 हज पैदल किए हों। लोगों ने कहा सवारी है, आका तशरीफ क्यों नहीं रखते? इमाम हुसैन ने कहा अहकमल हो आकमीन की बारगाह में सवारी पे जाते हुए मुझे शर्म महसूस होती है। ये तवाज़ु और इंकिसारी के मुजस्सम। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी रसूल ये क्या कर रहे हो? आप तो मेरे नाना जान के अजिल्ला सहाबा में से हो, आप तो निशिस्त बरकात में मेरे आका के साथ रहा करते थे, मेरे नबी ने आपसे कितनी मोहब्बत फरमाई है, हुजूर से आपको कितनी कुर्बत है, कितनी हजारों अहादीस के आप रावी हैं, आपका तो ये मकाम और मरतबा है, आप तो इस मकाम और मरतबे पर फाइज है। हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि या हुसैन इब्ने अली अब बस कीजिए, मेरे मुतालिक और इरशाद बत फरमाइए, मुझे जो काम मेरा है वो करने दीजिए, मैं आपकी खिदमत कर रहा हूं, मुझे ये करने दीजिए, मैं आपके कदमों को झाड़ रहा हूं। हुसैन इब्ने अली मुझे झाड़ने दीजिए, आपके कदमों को साफ करने दीजिए, इसलिए कि या हुसैन जो मकाम अबू हुरैरा आपका जानता है, अगर मदीने वाले जान ले तो रूए जमीन पर आपको कदम न रखने देंगे, अपनी आंखें अपने सर आपके कदमों में बिछा देंगे। ये मकाम ये मर्तबा ये रुतबा इमाम अली मकाम से जितना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है दोस्तों, और खुर्बत आका अलैहिस्सलाम से इतनी कि जितना नबी ने अपने नवासों को चाहा है ना किसी नाना ने अपने नवासों को ऐसी मोहब्बत नहीं दी। दिए बताइए, जैसे मेरे नबी ने अपनी उम्मत से मोहब्बत की है, बताइए 1,24,000 आए, आपको तो नाम भी पूरे नहीं पता, जितने जानते हैं क्या नू ने अपनी उम्मत से ऐसी मोहब्बत की जैसे मेरे नबी ने अपनी उम्मत से की? क्या मूसा ने अपनी उम्मत से ऐसी मोहब्बत की जैसे मेरे नबी ने उम्मत की? जरा सा नाराज हो जाते तो बद्दुआ कर दे। नूह ने कहा मौला रात दिन दावत देता हूं, मान ही नहीं रहे, परेशान कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा नूह थक गया, कहा मौला सुनते नहीं है। तूफान नूह बर्पा कर दिया, तूफान नूह
अजाब की शक्ल में आ गया। मुजा ने कहा वाला 40 रातों के वास्ते गया था, बछड़े को इन्होंने खुदा बनाया और पूजने लगे, मैं तो बेजार आ गया हूँ। अल्लाह ने कहा फिरौन की कौम को पूरी डुबा दिया जाए, डुबा दिया गया। जितने नबियों की उम्मतों ने नबियों से गुस्ताखियां बदतमीजियां की, अदाब का नुज़ूल हुआ कि नहीं बताइए। बोलो यार, शर्माने वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए, हुसैन इब्ने अली को, नबी के शहजादे को, सालेह अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे, बताया आपको कुरान में इनका जिक्र मौजूद है, उनकी ऊंटनी की बदतमीजी की गई। तवज्जो आपकी, किसकी ऊंटनी की शान में गुस्ताखी की। तो अल्लाह रब तबारक व तआला को इतना जलाल आया, इतना जलाल आया कि पूरी उम्मत को बर्बाद कर दिया, सब पर अजाब नाजिल कर दिया, खत्म फिनिश। नबी की ऊंटनी की बदतमीजी बर्दाश्त, बोलिए अल्लाह ने की। यहां हुसैन इब्ने अली के जिस्म पर 72 कारी जर्ब लगाए गए, आंखों के सामने अली असगर का गला काटा गया। वो अली अकबर जो शबीहे पैगंबर थे, उनके जिस्म को पर घोड़ों को दौड़ाया गया, जिस्म को छन्नी कर दिया जा रहा है। आप देखे, तवज्जो रखे आप, मौला हुसैन के भाई अलमदार हजरत अब्बास के शाने काट दिए गए, जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, कायमों को आग लगाई जा रही है। उधर साले 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 की ऊंटनी की गुस्ताखी की नबी की, तो अल्लाह उनको बर्बाद कर रहा है। यहां नबी के लगते जिगर हुसैन इब्ने अली के कुंबे को काटा जा रहा है। तवज्जो है आपकी, अजाब नाजिल होना चाहिए था कि नहीं, सब बर्बाद हो जाने चाहिए थे कि नहीं, बोलो यार, सब तहस नहस हो, ये दुनिया रहती क्यों? किसी ने कहा ना, या हुसैन आपके साथ जो हुआ है उसके बाद तो हमें जी में ये आता है कि सारी दुनिया को आग लगा दें। हजरत मुख्तार सकफी ने यही तो किया था, उन्होंने यही तो किया था, जिन पर बाद में पता नहीं कैसे कैसे मुल्लाओं ने मौलवियों ने फतवे लगाकर कहा कि सकफी ऐसा था, सकफी वैसा था, नबूवत का उसने दावा किया था। मैं तो कहता हूं दीवानों, तुमने बस यही काम किया है, अहले बैत की दुश्मनी तुम्हारे दिलों में बसी हुई है, जो नबी की आल से मोहब्बत करेगा उस पर फतवे लगाओ। और हमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमें डरने घबराने की जरूरत नहीं। अब देखिए, इतने सारे हालात, इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारी कठिनाइयां, इतना सारा जुल्म नबी की आल पर होता रहा, और उधर अल्लाह रब तबारक व तआला को जोश नहीं आया होगा उसकी रहमत को, बताइए जलाल में नहीं आया होगा परवरदिगार, बताइए। एक रिवायत में आता है कि आसमान के सारे फरिश्ते सातों आसमानों के आसमानों पर मोहर लगाकर ठहर गए। 1,24,000 अंबिया करबला का खूनी मारका देखने आसमानों पर उतर आए हैं। यूं समझिए कि जमीन पर मारका हो रहा है और आसमान दुनिया पर सारे अंबिया सारे मलाइका ये मंजर देख रहे हैं। तो खालिक अर्दो समावात का ये मंजर नहीं देखा? अरे शहादत से पहले इरशाद फरमाया अल्लाह रब तबारक व तआला ने अपने महबूब से, ऐ महबूब तेरे नवासे को शहीद किया जाएगा, और याद रखना मैं इसके कत्ल से इतना नाराज होगा, इतना नाराज होगा कि मैंने यहिया बिन जकरिया के कत्ल पर 70,000 को जहन्नम वासिल किया है। ऐ मेरे महबूब, मुझे तेरे रुखसार की कसम, तेरे हुसैन को कत्ल करने वालों को 70,000 नहीं 1,40,000 से बदला लूंगा। ये अल्लाह रब तबारक व तआला ये मंजर देख रहा है। लेकिन मुझे बताइए तो सही, इन पर अजाब नाजिल क्यों नहीं हुआ? यजीद पर अजाब नाजिल क्यों नहीं हुआ? बाद में तो हुआ। अल्लाह ने फरमाया हुसैन के कातिल पर ये अजाब नाजिल किया जाएगा कि दुनिया को जितना अजाब दिया जाएगा उसका निसफ इसे दिया जाएगा। कितना? उसका निस्फ इसे दिया जाएगा। अब ये जो दुनिया करबला के खूनी मारके के बाद बच गई है, ये किसी और का एहसान नहीं, ये हुसैन के नाना जान का एहसान है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया वमा कान अल्लाह लियुअज्जिबहुम व अंता फिहिम, महबूब मैं इन पर अजाब नाजिल नहीं करूंगा जब तक तू गुंबदे कदरा में मकीन रहेगा। ये कुरान की आयत है। अल्लाह रब तबारक व तआला ने इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन की कुर्बानी को ऐसे कबूल फरमाया कि रहती दुनिया तक इस्लाम जिंदा रहेगा। और याद रखिए, अहले बैत अतहार की महब्बत को खुदावंदे खुद्दूस ने कुरान मजीद में फर्ज किया, जैसे रोजा फर्ज, जैसे नमाज फर्ज, साहिब इस्तेताब पर हज्जो ज़कात फर्ज है कि नहीं, बोलिए। ये कोई हम आपको कहानी किस्से सुनाने के लिए बुजुर्गों की मौजूदगी में नहीं बिठाए,
कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, क्या इरशाद फरमाता है, मैं वो अपनी उम्मत से सवाल कीजिए, क्या कीजिए, सवाल कीजिए, किससे सवाल करवा रहा है, देखें आप जो मुख्तारे कायनात है, जो महबूब रब्बुल आलमीन है, अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है सवाल कीजिए, किससे सवाल कीजिए, बोलिए यहूद से, नसारा से, खुनूस से, नहीं महबूब सवाल कीजिए अपनी उम्मत से, और क्या सवाल कीजिए, ये सवाल कीजिए महबूब कि ये जो आपने इनको दीन दिया है ना, अब दीन में क्या क्या है बताइए, और दीन किसकी पनाह में ये तो मालूम है आप, दीन किसकी पनाह में ये तो, दीन में क्या क्या है बोलिए, तौहीद है, रिसालत है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है कि नहीं, अम्र बिल मारूफ है, नहीं अनिल मुनकर है, हराम अशिया से बचना है, हलाल अशिया का करना है, यही तो दीन है ना, बताइए। अब ये जो दीन मुस्तफ़ा ने दिया है आपको, आपने कभी नबी को कुछ दिया क्यों देंगे, जिसने सारी कायनात को बांटा हो उस नबी मुख्तार को आप क्या, हुज़ूर फरमाते अल्लाह युती व अना कासिमुन, अल्लाह देता है, मुस्तफ़ा कहते मैं बांटता हूँ, अब जिसे जो कुछ मिलता है नबी के सत्ते में मिलता है। अब देखिए आखिरी बात आपकी तवज्जो समातों के हवाले कर रहा हूँ, अल्लाह रब तबारक व तआला ने कहा महबूब सवाल कर, बोला क्या सवाल करूँ, सवाल नबी से करवाया जा रहा है, अब इसमें क्या हिकमत है देखिए कि आप सवाल कीजिए कि आपकी उम्मत आपके अहले बैत से मुवद्दत करे, क्या करे, मुवद्दत करे, मोहब्बत के आला दर्जे का नाम मुवद्दत है, क्या है, मोहब्बत, मोहब्बत कैसा, मोहब्बत ऐसी समझिए कि हुस्न है तो मोहब्बत है, हुस्न गया तो मोहब्बत गई, दौलत है तो मोहब्बत है, दौलत गई तो मोहब्बत गई, इख्तदार है तो मोहब्बत है, इख्तदार चले गया तो मोहब्बत चली गई, बात समझ रहे हैं आप, मोहब्बत के लिए शर्त होती है और मुवद्दत के लिए शर्त नहीं होती, अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव उस चीज का नाम है मुवद्दत। अल्लाह ने कहा मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नहीं, मुवद्दत करनी पड़ेगी, हर हाल में जाना पड़ेगा, लोग फतवे लगाएंगे तब भी सैयदों की अजमत करनी पड़ेगी, इनको तब भी मानना पड़ेगा, लोग ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे, किताबें लाएंगे, किताबों के रेफरेंसेस पेश करेंगे, लेकिन है मेरे नबी के दीवानों सुनो, तब भी नबी की आज से मुवद्दत करनी पड़ेगी, तब भी इनका एहतराम करना पड़ेगा, तब भी इनका लिहाज रखना पड़ेगा, इसे कहते हैं मुवद्दत, बोलिए इसे कहते हैं मुवद्दत। अब मुवद्दत तो करनी पड़ेगी, मुवद्दत का मतलब यह कि हर हाल में नबी की आल को चाहना है, क्या करना है बोलिए, तो रम खान आकर अगर कहे नहीं चाहना है तो कहेंगे चल जा, हम तो चाहेंगे, कोई चाहे कुछ कहे फिर भी हम चाहे, क्यों, अल्लाह का हुक्म है। अब यहां जो नबी से सवाल करवाया वो इसलिए कि आज जितने यहां पे जमा है बड़ा बाजार में, ये सब हुसैन वाले हैं कि नहीं, झूम कर बताए हैं कि नहीं, अब आप क्या करेंगे बताइए, नामे आमाल आपके हाथ में रख दिया जाएगा, सीधे हाथ में रख दिया जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, सीधे हाथ में दाएं हाथ में अच्छे अमल हैं बुरे अमल हैं, जब परेशान हाल हो जाएंगे इस हाल में क्या करेंगे आप, हुज़ूर ने क्या फरमाया मेरे पास आओ, मन ज़ल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, अल्लाह फरमाते हैं कौन है जो शफात करे सिवाय उसकी इजाजत के, शफात कुबरा की मसलत पर जब मुस्तफ़ा जलवागर होंगे, हर नबी जब नफ्सी नफ्सी पुकारेगा, ऐसी सूरत हाल में मुस्तफ़ा कहेंगे अनालह इधर आओ मैं, इसलिए काली कमली फैलाए हुजूर अपने गुलामों को अपने दामन में छुपाते रहेंगे, एक एक को हाथ पकड़कर जन्नत में डालते रहेंगे, हाथ पकड़कर जहन्नम से निकालते रहेंगे, ऐसे में क्या होगा पता है आपको, ये जो खवारिज और ये नासिबी हैं जो जिंदगी भर अहले बैत अतार से नफरत और बग़्ज़ व इनाद रखते रहे, ये भी जब हसनैन करीमैन की महशर में शान देखेंगे ये भी चले जाएंगे और जाकर कहेंगे या रसूलल्लाह हम भी आ गए, हमारी भी इमदाद फरमा दीजिए, हमारी भी मदद फरमा दीजिए। तो अल्लाह ने जो इनकी मोहब्बत का सवाल कराया था, अब ये नबी से सवाल करेंगे, तो हमको तो हुजूर देखेंगे चेहरे देखकर फरमाएंगे ये तो मेरे नवासों के गुलाम नजर आते हैं, किसी की तरफ देखेंगे ये मेरे नवासे अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम नजर आ रहा है, किसी के चेहरे की तरफ देखेंगे हुजूर इरशाद फरमाएंगे ये मोइनुद्दीन अजमेरी का गुलाम नजर आ रहा है, हमें तो हुजूर जानेंगे पहचानेंगे और बचाएंगे, लेकिन ये मुनाफिक जब आएंगे तो अल्लाह रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा महबूब इनको धुतकार दो, इनको अपनी बारगाह से निकाल दो, इनको इनकी कोई बात ना सुनना, या अल्लाह मैं क्यों ना सुनूं, हुजूर कहेंगे मौला ये मुझसे सवाल करते हैं, तो अल्लाह फरमाएगा महबूब एक सवाल तूने भी तो दुनिया में किया था,
तूने भी तो दुनिया में किया था, अब जब इन्होंने तेरे सवाल की लाज न रखी तो मुस्तफा तुझे जरूरत नहीं कि इनके किसी सवाल की लाज रखे। तो दोस्तों याद रखना, नबी ने सवाल किया है अहले बैत अतहार की मोहब्बत का, इस मोहब्बत को कायम रखो, इस मोहब्बत को दायम रखो, जब तक जियो अहले बैत अतहार के दामन अक़दस को मजबूती से थाम कर जियो। याद रखो अहले सुन्नत एतदाल वाली जमात का नाम है, हम जहां अहले बैत अतहार की कदमों पर जाने कुर्बान करते हैं वही सहाबा का एहतराम भी हमारे दिलों में है। यही सरकार पीराने पीर गौसुल आलम दस्तगीर की तालीमात है, यही सरकार ख्वाजा आजम मोइनुद्दीन अजमेरी की तालीमात है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाले बसने वाले हजारों औलिया अल्लाह की यही तालीम है कि अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर कायम रहे, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में जिये और अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मरे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।